दोस्तों योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया है। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता था, उसी तरह यूपी में भी स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है, उसी तरह अब यूपी में स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होगा। इससे स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा वो आप देख के जाइए कि आपके हित की क्या बात है, क्योंकि न्यूज वही देखना चाहिए जो आपके हित की हो। वैसे न्यूज तो लाखों करोड़ों पूरी दुनिया का यूट्यूब पे और फला जगह पड़े हुए हैं, तो आपके हित की क्या बात होगी। देखिए, यूपी इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसका नाम है आजकल AKTU, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अभी कौन सा कॉलेज का रैंकिंग अच्छा है ये नहीं पता है स्टूडेंट को। अलग अलग न्यूज मीडिया, अलग अलग न्यूज पेपर, अलग अलग मैगजीन अलग अलग रैंक देते हैं, लेकिन जब स्टेट का रैंकिंग होगा तो इसमें क्या क्या रखा जाएगा कि टीचिंग कितनी अच्छी है कॉलेज में, लर्निंग कितनी अच्छी है, रिसर्च कितना अच्छा होता है, ग्रेजुएशन आउटकम कितना है, और जो वैश्विक स्तर है संस्थान की कितनी है, और जो इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है कितना है। तो इससे ये पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज में पढ़ने के बाद आपकी नौकरी अच्छी मिलेगी, या आपका लर्निंग अच्छी होगी, आपका रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा होगा, आपको इंडस्ट्री का ज्ञान अच्छा होगा। क्योंकि कॉलेज वही अच्छे हैं जो आपको लायक बनाते हैं, नालायक नहीं। तो आपको लायक कौन बनाएगा ये स्टेट का रैंकिंग फ्रेमवर्क डिसाइड करेगा। तो इससे क्या फायदा होगा, इंस्टीट्यूट भी अपना जो टीचिंग एप्टीट्यूड है बढ़ाएंगे, क्योंकि उनमें भी कॉम्पिटिशन की भावना जगेगा कि यूपी में जितने भी कॉलेजेस हैं अगर हमारा रैंकिंग खराब हो गया तो हमारे यहाँ कोई एडमिशन ही नहीं लेगा, ठीक है। तो सब इंस्टीट्यूट कंपटीशन में लग जाएंगे। अभी इंस्टीट्यूट में कोई कंपटीशन नहीं था, कोई कहीं भी एडमिशन ले लेता था, लेकिन जैसे कि स्टूडेंट का रैंक डिसाइड होता है कि जिसका रैंक अच्छा होगा उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन अच्छा कॉलेज कौन है कैसे पता चलेगा, तो अच्छा कॉलेज कौन है इस रैंकिंग फ्रेमवर्क से पता चलेगा। तो बहुत ही अच्छा कदम है कि टेक्निकल क्षेत्रों में स्टेट गवर्नमेंट में ये सिस्टम लागू हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और आने वाले दिनों में स्टूडेंट में जो कॉम्पिटिशन करते हैं, अब कॉलेज में भी कॉम्पिटिशन होगा कि कौन से कॉलेज बेस्ट है, ठीक है। बहुत अच्छी ये लाभ देगा छात्रों को, और छात्रों का रुझान बढ़ेगा कि इस कॉलेज मिले, और अपने जितने भी इंस्टीट्यूट है यूपी के वो सब अपने इंस्टीट्यूट में क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, टीचर अच्छा रखेंगे, लर्निंग अच्छा देंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा बढ़ाएंगे, और एजुकेशन देने के बाद प्लेसमेंट्स भी करवाएंगे, इंडस्ट्री का जो ट्रेनिंग होता है वो भी करवाएंगे, जिससे इन कॉलेज का रैंकिंग जो है ऊपर उठे और बच्चे उसमें एडमिशन ले पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो आपके हित के लिए तो वीडियो बनाता हूं, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।